लर्न उर्दू मीडियम में आप सबका का है वेलकम टू जी लर्न उर्दू मीडियम आई होप यू आर फीलिंग फाइन नाउ आज के इस वीडियो में हम जमात दसवीं का मजमून जुग्राफिया कोर्स का आखिरी जांच देखने जा रहे हैं अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और जिस जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ आखिरी जाँच जोग्राफी का है जमात दसवीं अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सवाल नंबर एक दर्ज मुतबादलात में से मुनासिब मतबादल का इंतखब कीजिए है ना यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है उसके नीचे चार ऑप्शन है उसमें से एक मुनासिब है ना लफ्ज़ को खाली जगह में पुर करना है लिखना है पहली खाली जगह है बुनियादी तौलबलद से मशरक़ या मग़रब की समत जाने पर एक सौ अस्सी में बारह घंटों का फ़र्क आता है तो पहली ख़ाली जगह में बारह आएगा दूसरी ख़ाली जगह है ज़मीन पर तारीख़ और दिन की शुरुआत एक सौ अस्सी से होती है तो दूसरी ख़ाली जगह में एक सौ अस्सी आएगा तीसरा तेजाबी बारिश मरतूब की वजह से ज़्यादा मकदार में होती है है ना तो तीसरे वाले में मरतूब आएगा चौथा महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों रियासतों में होने वाली तिजारत को दाखिली तिजारत कहते हैं चौथी खाली जगह में दाखिली तिजारत आएगा पाँचवीं और आखिरी खाली जगह सब्ज़ राहदारी के ज़रिए आज़ा की नकल व हमल की जाती है तो पाँचवीं ख़ाली जगह में आज़ा लिखना होगा अब अगला सवाल है सवाल नंबर दो दर्ज झील बयान सही है या गलत लिखिए पाँच मार्क्स के लिए है है ना तो पहला जो है शहरी इलाकों में जराइम का तनासब कम होता है तो ये ग़लत है शहरी इलाकों में जो जराम का तनासब ज़्यादा होता है आप लोगों को सही करके लिखना नहीं है सिर्फ़ बताना है कि ये सही है ग़लत तो ये जो जुमला जो है वो ग़लत है दूसरा है रो रो मालबरदारी के लिए हवाई रास्तों की ज़रूरत होती है तो ये भी ग़लत है तीसरा है खदमत के तबादले को गैरमरी तजारत कहते हैं ये सही है तीसरा वाला चौथा है ज़ीरो दर्जे के तुलुल तौलबलत पर आलमी मीरी वक्त तय किया जाता है तो ये सही है पाँचवा है बारिश वाले इलाकों में बारिश का तनासब ज़्यादा होता है तो ये भी ग़लत है अब अगला है सवाल नंबर तीन मुख्तलि जुज पहचानी चार मार्क्स के लिए है है ना आप लोगों को चार चीज़ें दी हुई हैं उसमें से अलग कौन है चारों में से वो हमें पहचान कर लिखना है पहला है घाटी वी शक्ल की वादी यू शक्ल की वादी और बल खाता हुआ मोटर दूसरा है इस्तवा खत्ते सरतान खत्ते जदी ग्रेंच बलत तीसरा है मज़ाती बारिश तेजाबी बारिश गर्द बारी बारिश गर्दिशी बारिश, बारिश। चौथा है सवाल नामा कम्पास कैमरे बारिश नामी है ना तो पहले वाले में जो अलग है वो है बल खाता हुआ मोटर दूसरे वाले में जो है वो है ग्रजलबलत और तीसरे वाले में जो है वो गर्द बारी बारिश और चौथे वाले में बारिश पेमाने ये तीनों जो है चारों अलग हैं अब है सवाल नंबर चार जो कि छः मार्क्स के लिए जग्राफियाई वजूहत लिखिए पहला है शहरी इलाक़ों में ट्रैफिक का हजूम होता है तो इसका जवाब है शहरों की इलाकई तोसी की वजह से शहर के बाहरी हिस्सों और मुजाफात में लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं इन मुजाफात से शहर के मरकज़ी हिस्सों में पेशों सनत व तजारत मुलाजमत तालीम वगैरह के लिए लोगों की आमद आमदरफ जारी रहती है मुसाफिरों की सहूलत के लिए अवमी नकल वह हमल की खिदमांत शुरू की जाती है लेकिन आबादी मुसलसल बढ़ जाने की वजह से अवमी नकल वहल का निजाम नाकावी साबित होता है और इस पर दबाव पड़ता है अवामी नकलोहमल का निज़ाम नाकाफी होने की वजह से सफ़ेद कलर वाले इनफराद नजी गाड़ियों से सफ़र करने लगते हैं और पाँचवा आवामी गाड़ी और बड़े पैमाने पर चलने वाली निजी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक का हजूम बढ़ जाता है दूसरा है खत इसवा के इलाकों में गर्दिशी बारिश होती है तो उसका जवाब है खत इसवा में सूरज की किरणें गिरते ही सूरज धुल्व होता है जैसे जैसे सतह गर्म होती है इसके इर्द गिर्द की हवा गर्म होती है हवा फैलती और हल्की हो जाती है और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ठंडा हो जाता है इस किस्म की बारिश जो इस ख़त्ते में बारिश से होती है बारिश से होती है जो खत स्तवा में पड़ती है अब है सवाल नंबर पाँच भारत के नक्शे के खाके में दर्ज जेल में से कोई तीन अज्जा पर निशानदही करना है तीन मार्क्स के लिए ये नक्शे में जो आपको ये तीन जो चार चार दिए हुए हैं जिसमें से आपको तीन करना है तीन जगहों की निशानदही करना है नक्शे में पहला खत्ते है खत सरतान दूसरा रावली पहाड़ तीसरा मगरबी साहली इलाके और चौथा है लक्षद्वीप तो पहला दूसरा और तीसरा हम लोग देखेंगे देखिए पहला जो आएगा वो यहाँ पर आएगा है ना यहाँ पर यानी पहला क्या है ख़ सरतान तो सरतान यहाँ पर आएगा दूसरा है अरावली पहाड़ तो अरावली पहाड़ जो है नहीं दूसरा नहीं तीसरा और चौथा देखते कोई भी तीन हमें करना वैसे भी तीसरा जो है वो यहाँ पर है देखिए है ना तीसरा दिया हुआ तीसरा क्या था मगरबी साहिली इलाके और चौथा है लक्षद्वीप लक्ष्यदीप यहाँ पर जहाँ चार नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर तो इस तरीके से आपको नक्शे में इसकी निशानदाही करना है सवाल नंबर छः दर्ज सवाल के तफसली जवाब दीजिए चार मार्क्स से लिए पहला है नदी किनारे इलाकाई सर के लिए सवाल नामा तैयार कीजिए या तो ये सवाल लिखिए शहरकारी के फवाद लिखें दोनों में से कोई एक करना है तो हम ये वाला ले, ले लेते हैं यह आसान है शहरकारी के, शहर के फायद लिखें शहरकारी के फ़ायदे पहलारती सानवी सलाफसी और चारुम दर्जा रुबई के पेशों में इजाफ़ा होने की बिना परमाशी सरगर्मियाँ भी बढ़ जाती हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग शहर में एक साथ रहने लगते हैं जिसकी वजह से सकाफती और माशरती रसूम व रिवाज का तबादला होता है इससे माशरती इतिहास पैदा होता है दूसरा जदीदकारी शहरों में इल्म महारत और मालूम का बाह तबादला होता है जदीद तरीन मालूम और ज़बान व अदब का सबसे पहले इन्हीं इलाकों को फ़ायदा मिलता है नए ख्याल जदीद तर टेक्नोलॉजी और तकनीकी सहूलियात का सबसे जल्द फ़ायदा शहरी बस्तियों को ही होता है यहाँ के लोगों का मैार ज़िंदगी बेहतर होता जाता है तीसरा और आखिरी सहूलियात नकल वो हमल, मवा तालीम, टिप जैसी सहूलियतें शहरों में फ़रोग पाती हैं नकल व वहमल की हमद सहूलतें दस्तियाब हो जाने से सफ़र आसान और आरामद हो जाता है इसी तरह बाज़ार तजारती लेन देन और मालबरदारी वगैरह का भी फ़रोग इन सहूलतों की बिना पर हो जाता है बहुत सारे तलबा अला तलीम के लिए शहरी इलाकों का रुख करते हैं बहुत सारे मरीज़ और इनके रिश्तेदार भी तरक् याफ्तर तबीयी सहलियात से फ़ायदा उठाने के लिए शहरों का रुख करते हैं अब अगला और आखिरी सवाल है सवाल नंबर सात दर्ज़े शुमारियाती मालूम की बुनियाद पर मुतसर सतूनी तरसीम बनाना तो हमें क्या करना है कि तरसीम बनाना है बैन अवी तजारत में दरामदात और बरामदाद का है ना तखमीना तो पहला जो कॉलम है यहाँ पर मुल्क का दिया हुआ है दूसरा दर का और तीसरा बरामद का तो पहला मुल्क है वो चीन दूसरा भारत और तीसरा ब्राज़ील है ना तो उनकी दर और बर की जो हमें बनाना है तो आप लोगों को इस तरह से बनाना है सबसे पहले इशारात लिख लेना है दर आमद और बार आमद का है ना एक सम सौ डॉलर फिर आप लोगों को करना है ऐसे देखिए मैं शुरुआत से आखिर तक दिखा रहा हूँ ऐसे आप लोगों को बनाना है नीचे जो आपको कले बना लेना है एक्स मेवर और इस तरफ़ जो बनाना है वो है वाई मेवर एक्स वाई मेवर बनाने के बाद है ना आप क्या करेंगे ये दो सौ चार सौ ये सब लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे फिर उसके बाद दरामद और चीन भारत मुल्क ब्राज़ील इसकी दरामद और बरामद का बनाएंगे ना इस तरीके से तरसीम तो आज की जो सरगर्मी यहाँ पर ख़त्म होती है तो आपको आज का हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफिज़